अब आगे बढ़ते हैं। 119 विधानसभा सीट, 2290 कैंडिडेट और 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता, किसको तेलंगाना का निजाम सौंपेंगे? तेलंगाना में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, ये सवाल और भी बड़ा हो रहा है। इस बीच राजनीतिक रणबांकुरों के बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। सत्ता की लड़ाई पर्सनल अटैक तक पहुंच गई है। शनिवार को राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और ओवैसी को प्रधानमंत्री मोदी का यार बताया था, जिस पर अब ओवैसी ने मोर्चा खोल दिया है। इसके अलावा करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर भी सियासत आसमान पकड़ रही है। तेलंगाना की चुनावी टक्कर, ओवैसी वर्सेस राहुल, बयानबाजी भयंकर। मोदी जी के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। राहुल गांधी, हम छिछोरे, हमारे मुंह को नहीं लगना था, तो याद रखो, किसी का हर्जा बाकी नहीं रखता सुरुद्दीन ओवैसी। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। सबकी अपनी ठपली, अपना राग, अंदर खाने कौन किसके साथ। केसीआर और मोदी और एमआईएम, ये तीनों दोस्त हो गए। कांग्रेस पार्टी केसीआर को यहाँ मुख्यमंत्री बनाएगी, केसीआर राहुल बाबा को वहाँ प्रधानमंत्री बनाएंगे। दिल्ली से आरएसएस के लोग आकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। जब दुश्मन मुत्तहिद हो रहा है तुम्हारा, तो क्या तुम इंतजार की कैफियत में रहोगे? हैदराबादी कुर्सी की लड़ाई पर्सनल अटैक तक आई। अब इनकी बहन आकर बोलती है, ओवैसी जी खाली 9 सीट लड़ रहे हैं। अरे 110 छोड़ दिया ना अम्मा आपके लिए। वही प्रचार पराक्रम का आखिरी चरण, कौन जीतेगा चुनावी रण? कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। बीजेपी ही बढ़ाएगी तेलंगाना का मान। मोदी जो झूठ बोलते गए, वही केसीआर कंटिन्यू करते गए। जब इंदिरा जी को तेलंगाना की जरूरत थी, तेलंगाना की जनता उनके साथ थी, लेकिन पूरा गांधी परिवार कभी भी तेलंगाना के जनता के साथ नहीं था। अब की बार किसका निजाम? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।